गुरुजी प्रणाम। मैं सोनिका गैन चंडीगढ़ से। आप पहले जैसे ध्यान के लिए बोल रहे थे कि माथे पे कोई सगुण भगवान को देखना है, पर मैं कभी वो देख ही नहीं पाती क्योंकि मैं भक्ति भाव को मानती नहीं हूँ। देखो जैसा, बस इतना ही ना। हाँ जी, मैं बस लाइट ही देखती हूँ। क्या देखते हैं? शुरू में मुझे अंधेरा लगता था, जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ और थर्ड आई को रब करके, जब मुझे नहीं कोई विधि आती थी, रब करके मैं बैठ जाती थी और यहाँ पे देखती थी तो अंधेरा लगता था। अब यहाँ रोशनी लगती है। बस आप सही कह रहे हैं, कोई आंख बंद करेगा अंधकार ही दिखेगा। मगर मन को स्थिर करने के लिए मैंने कहा कि आप अपने इष्ट का स्वरूप का चिंतन करो, चिंतन नहीं, देखने का प्रयास करो। वो दिखता नहीं है। जब हम ऐसा बार बार सोचते हैं और हम गहराई वही सोचते, जब मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन इधर उधर भागता, फिर लगाते हैं, फिर इधर उधर भागता है, तो कर्मानुसार जल्दी या देर दोनों, किसी साधक का जल्दी स्थिर होने लगता, किसी साधक का देर में स्थिर होता। इसका भी कोई पैमाना नहीं। कोई ये कहे कि हमारा मन 1 महीने में स्थिर होगा, 2 महीने में होगा या 6 महीने में होगा। अगर पूर्व काल से वो साधक अच्छा है, यानी पिछले जन्मों में साधना कर चुका है, तो उसका मन जल्दी एकाग्र हो जाएगा। अगर उसने साधना नहीं की है और वर्तमान में कर रहा है तो उसका मन चंचल ज़्यादा रहेगा, देर में होगा, लेकिन शुरू में अंधकार ही दिखाई देगा। जब धीरे धीरे अभ्यास होगा तो एक निश्चित अवस्था के बाद कभी कभार इष्ट दिख जाएगा। और वो जो मैंने जाना ऐसी अवस्था, जब प्राणवायु हृदय चक्र पर आएगी तब ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हो सकता है कि उसके इष्ट के दर्शन हो। शुरुआत में नहीं होते हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि मन ज़्यादा इधर उधर चंचल ना हो, तो पूजा गृह में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर इष्ट की फ़ोटो सामने लगा देते हैं, तो पूजा थोड़ी सी पूजा भी कर लेते हैं मन को रोकने के लिए। और नहीं तो ध्यान करने से पहले इष्ट के स्वरूप का टकटकी लगा करके, यानी आंखें खोल के बिना पलक झपकाए चिंतन करते, उन्हीं को बार बार देखते, फिर आंख बंद करते, फिर देखते, इसका अभ्यास करते हैं। इससे क्या होती है, जब हम बार बार आँखों के द्वारा इष्ट के फोटो को देखेंगे तो उसकी वृत्तियाँ, संस्कार भी, यानी कर्माशय बनेंगे, हमारे अंदर आएंगे और कभी न कभी वो कर्माशय बाहर भी आएंगे। जो चीज़ हम देखते हैं या हमारी आंखें देखती हैं तो उसका भी संस्कार बनता है। जैसे आप यहाँ पर आए हो, ये आप इस समय ये हॉल देख रहे हैं, इसका भी संस्कार बनता है, आपके अंदर चला गया, कभी न कभी याद आएगी। जब ये संस्कार बाहर निकलेगा, ज़रूरी नहीं इस जन्म में, ज़रूरी नहीं, अगला भी हो सकता है कि हल्का सा दृश्य आए कि भीड़ भाड़ में हम कहीं उपस्थित हो, बस इतना, लेकिन ना समझ पाए, इसका भी संस्कार बनता, कि कभी न कभी संस्कार बनेगा। तो कहने का मतलब इसीलिए कहते हैं कि पहले पूजा वगैरह करनी चाहिए, यानी इष्ट के अगर मन रोकने के लिए, तो इष्ट को देखें और फिर आंख बंद करें, फिर देखें, फिर करें। जब बार बार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा अभ्यास के द्वारा कि कभी कभार कि ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे इष्ट दिखे लेकिन गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि सामने दिखते रहें, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हम मन ठहरने लगता और वो साधक गहराई में चला जाता और अपने आप को भूल जाता। यही साधना की शुरुआत होती। तो आप ये ना पकड़ें कि हमें हमारे इष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ये दिखता। हाँ, अब आ जाए, आपने प्रकाश की बात कही। हाँ, प्रकाश दिखता, तो कुछ अभ्यासियों को यहाँ पर प्रकाश भी दिखता है। क्योंकि मेरे इष्ट देव मैं शुरू से मानती नहीं हूँ, किसी को भी भक्ति नहीं मानती। हाँ जी। तो फिर आप इष्ट किसे चुनती हैं? मेरे लिए एनर्जी है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। फिर आपका मन देर में स्थिर होगा। अगर आप इसी ये बातें निर्गुण के अंतर्गत आते हैं कि कोई एनर्जी है, वो एनर्जी का दर्शन नहीं हो सकता है, वो एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती। जो एनर्जी संसार को चला रही है वो एनर्जी कभी दिखती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं का स्वरूप होता है। और स्वयं का स्वरूप कभी टिकता नहीं है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं अपनी भाषा में। वो ठीक है, बहुत से लोग ऐसा अगर सोचते हैं तो ऐसे साधक का मन थोड़ा चंचल रहेगा और देर में दिखेगा। और जो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ हमें अगर हम मान लेते हैं। शुरू में सगुण को, जैसा कि किसी साधक ने कहा था, शुरू में जब हम सगुण को पकड़ के चलते हैं तो हम जल्दी से निर्गुण में पहुंच जाते हैं। अगर शुरू से ही हम निर्गुण, यानी हम किसी के स्वरूप को नहीं मानते, ठीक है मत माने, तो वो थोड़ा देर में, क्योंकि हमारा मन कहाँ टिके, कहाँ ठहरे। और मन को जब हम किसी एक जगह ठहरे, जैसे मन को अगर इस पर ठहरा दें कि ये कैमरा है, तो मन ऐसा करके एक जगह ठहर जाएगा। और अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो हम मन को कहाँ ठहराएं, तो वो इधर उधर चंचल रहेगा, देर लगेगी। फिर तो ये होगा कि एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, जो मुझे मालूम है, तो ज्ञान मार्ग, तो फिर उसमें वृत्तियों को हटाते रहते हैं। लेकिन आप किस पद्धति से ये अपनाए हुए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं सगुण को मानता हूँ, जबकि मेरा काम निर्गुण ही है, लेकिन मैं सगुण को मानता हूँ और सारे काम मेरे सगुण के द्वारा ही होते हैं। निर्गुण तो कह देते हैं लोग, बहुत आगे की बात है, और बहुत आगे की बात है। पहले उनका पाला सगुण से ही पड़ता है। सगुण और निर्गुण का तर्क वितर्क बड़ा वैसा है। सगुण में ही जाना पड़ेगा, कई बार मरना पड़ेगा, कई बार जन्मना पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि बहुत से कहते मरने के बाद जीवन ही नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं, तो उनकी वो सोच वो जाने। लेकिन मैं मरने के बाद अच्छी तरह जानता हूँ, किताबें भी लिखी और देखता भी हूँ, उसी के बल पर मैं सारी शक्ति प्राप्त करता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.